हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। दोबारा से खेलने वाले एम्पल पर वन जीरो फोर मी एंड गाइज ये गेम प्ले सबसे खतरनाक और सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने जो है जितने गेम प्ले किए ना वो सब इसके आगे बहुत ही कम है। सो गेम प्ले काफ़ी इंटेंस होने वाला है और यहाँ पे गाइज ना 11 राउंड लगने वाले हैं और गेम प्ले काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना। और गाइज मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो है ना ये टू प्लेयर है ये तो इजी हेलमेट ओनली 6 राउंड में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ना 11 राउंड लगने वाले हैं। सो गेम प्ले इतना टेंस होने वाला है मैं क्या ही बोलूँगा गाइज, आप खुद ब खुद लाइक कर दोगे। सो गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके सो गाइज बात करते हैं तो गेम प्ले की, तुम्हारे पास फर्स्ट राउंड में कार्ड थे नहीं, सो हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं एंड इस बार तो गाइज हमारे पास प्योर सिक्वेंस है। वैसे अगर सेकंड लाइफ रेंज होती तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पते को सिर्फ का सेंट भी रेंज हो सकता है। एंड गाइज यहाँ देखो बंदे पास कितने ओपी कार्ड थे। वैसे यहाँ पे सिंगल प्लेयर जो ना वही ने रिस्क लिया था और बाकी सब प्लेयर ड्रॉप कर देते हैं। किंग निकाला कोई नहीं, हम अगेन ड्रॉप कर देते हैं एंड देखते हैं जो लास्ट टाइम बंदा बैठा है ये प्ले करेगा या फिर नहीं। ओके से बंदे ने तो भाई ओपन ऐसे गाइज कार्ड पिक किया और देखते हैं डीलर प्ले करता है या फिर नहीं। ओके गाइज ये प्ले करा कोई नहीं, हम कर देते हैं बैट्स की, देखते हैं कौन डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइज जो है लेफ्ट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है एंड गाइज जो डीलर होता है ना ये बंदा 40 पॉइंट से लॉस होता है, जो राइट प्लेयर होता है ना ये बंदा ओनली 15 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे आई थिंक डीलर के पास ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड लाइफ थी। देखो इस बंदे के पास जो जॉकर था वो फर्स्ट लाइफ में रही था, जिस वजह से इस बंदे के 40 पॉइंट लग चुके हैं, लेकिन लाइट राइट प्लेयर देखो ओनली 15 पॉइंट लगे हैं। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, इस बार तो गाइस हमारे पास प्योर सिक्वेंस है एंड वन जोकर है एंड वैलिड एंड हाई कार्ड है। सो प्ले करना तो बनता है। ओके सो सैंड पिक नहीं करेंगे, क्लोड से गाइस कार्ड पिक करते हैं। ओके नाइन आ चुका है, सो नाइन को रखें क्या? वैसे मैं सोच रहा कि नाइन का साइड तो रेंज हो सकता है, लेकिन चलो सिक्स निकाल देते हैं, नाइन को एक बार के लिए होल्ड कर लेते हैं। देखते हैं गाइज हमारे पास सिक्स के अकॉर्डिंग कौन सा बंदा कार्ड निकालता है। टू प्लेयर तो गाइज ड्रॉप कर चुके हैं और डीलर प्ले कर रहा है, चलो बढ़िया गाइज। ओके एस निकाला पिक कर लेते हैं एंड निकाल देते हैं गाइज नाइन को, क्योंकि हमारे इसी के साथ पॉइंट भी डाउन हो जाएंगे और हमको डिक्लेयर करने के लिए सिंगल कार्ड चाहिए। ओके वैसे मैं सोचा नाइन के अकॉर्डिंग बंदा जो है टेन डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन बंदे ने अगेन एस निकाला। सो ये तो हमारे लिए यूजलेस है, पहले से ही हमारे पास तो एस है ना। सो क्लोडे से गाइज कार्ड पिक करते हैं। ओके एंड फाइनली गाइज हमारे पास जॉकर आ चुका है, सो फोर के साथ करता है डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। एंड गाइज इस बंदे के हाईएस्ट पॉइंट लग चुके हैं, आई थिंक 34 पॉइंट लगे हैं। ओके और ऐसे होता है इस बंदे के तो गाइज 34 पॉइंट लग के ओवरऑल हो चुके हैं 49 पॉइंट। चलो बढ़िया गाइज इस बंदे के पास ओनली अब टू टाइम है ड्रॉ करने का ऑप्शन। ओके सो अगेन गाइज कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार तो गाइज हमारे पास कार्ड ही नहीं है। वैसे गाइज इसके बाद अगर एक जॉकर और होता ना तो शायद ये बंदा थोड़े और पॉइंट डाउन कर लेता, आई थिंक 25 या फिर 30 के अराउंड इसके पॉइंट रहे थे। चलो बढ़िया। सो इस बार तो गाइज हमारे पास कार्ड तो हैं वैलिड, लेकिन दिक्कत यह जॉकर नहीं है, सो हम ड्रॉप ही कर देते हैं। एंड गाइज टू प्लेयर तो पहले से ड्रॉप कर देते हैं और हम भी ड्रॉप कर देते हैं और इसी के साथ जो है 80 पॉइंट वाला बंदा इजी विनर बन चुका है। वैसे गाइज इस बंदे का पास काफ़ी अच्छे कार्ड थे, अगर प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती तो शायद ये बंदा डिक्लेयर भी कर सकता था। वैसे यहाँ पर 4 या फिर 5 टर्न तो लग दी ही थी, क्योंकि बंदे के पास ना 3-4 कार्ड इनवैलिड थे। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड इस बार गाइस कार्ड तो हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जॉकर सिंगल है। वैसे अगर हमारे पास ओपन ऐसे प्योर सिक्वेंस रेंज होता है तो रिस्क ले सकते हैं। ओके बंदे ने 10 निकाला, मैं सोच रहा हूँ ये बंदा ड्रॉ कर दे, सो हम 10 पिक कर सकते हैं और ऐसा होता है गाइज ये बंदा ड्रॉप कर देता है। चलो इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, सो मैं किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। गाइज हमारे पास सैंड का सेट रेंज हो चुका है, सो गाइज डिक्लेयर करने के लिए देखो हमको ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए। वैसे गाइज राइट प्लेयर प्ले करता ना तो हम शायद ड्रॉप करते, वो तो अच्छा हुआ किसी ने ड्रॉप कर दिया, सो हम रिस्क ले लेते हैं। ओके किंग निकाला, सो किंग तो पिक नहीं करेंगे, बंदा वैसे हमको फॉलो कर रहा है। सो गाइज क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। ओके 4 आ चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब 8 डिस्कार्ड कर दूँ, क्योंकि इसी के साथ हमारे पॉइंट भी डाउन हो जाएंगे। सो 2 तो मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि 3 जॉब करे तो बंदा सेट रैंक कर सकता है ना, लेकिन बंदा 8 को पिक कर लेता है। चलो कोई नहीं। ओके जे आ चुका है गाइस, सो जे डिस्कार्ड कर देते हैं।
कहीं ऐसा ना बंदा जो है हमसे गाइस पहले डिक्लेयर कर दे। ओके जे के कड़ी जे ही बंदे ने निकाला, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, किंग जे भी यूज लेस है, उसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे गाइस देखो यहाँ पे टर्न पे टर्न लगती ही जा रही है भाई, हमको जो कार्ड चाहिए वो आ ही नहीं रहा। सिक्स निकाला, सिक्स भी नहीं चाहिए हमको, इसमें सिक्स चाहिए था। सो गाइस क्लोडे से ही कार्ड पिक करते हैं। ओके क्वीन, सो क्वीन डिस्कार्ड कर देता क्योंकि बंदे ने जे निकाला था, तो क्वीन पिक करने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन क्या ये तो बंदे ने पिक ही कर लिया, कोई नहीं बंदा सेवन निकालता पिक कर लेते हैं। एंड इसी के साथ अब हम निकाल देते हैं क्लब में टू को, क्योंकि हमको डिक्लेयर करने के लिए चाहिए ओनली सिंगल कार्ड। नहीं टू नहीं फाइव निकालेंगे, क्योंकि गाइस थ्री तो नहीं आ सकता, सो फाइव पिक करने के चांसेस बहुत कम है। और ऐसे होता है ये बंदा पिक नहीं करता। देखो बंदे ने टेन निकाला, यानी कि ये जो बंदा है ना क्वीन का सेट नहीं कर रहा है गाइज, मतलब इस बंदे का ट्रैप था। कोई नहीं गाइज क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। ओके डैन किंग आ चुका है, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता बंदा क्वीन का सेट नहीं कर रहा है, सो पिक नहीं करेगा। ओके फाइव निकाला बंदे ने फाइव का अकॉर्डिंग, कोई नहीं गाइज क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, फाइव तो यूजरलेस है और हमारे पास पहले से ही है। ओके और फाइनली गाइस हमारे पास क्लब फोर आ चुका है, सो हम सेट रैंक कर लेते हैं एंड क्लब टू के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। एंड गाइस ये बंदा ओनली फोर पॉइंट्स लॉस होता है, चलो ये मान ली थोड़ा सा एडवांटेज है कि ये जो बंदा अब ड्रॉप नहीं कर सकता, इसको प्ले ही करना पड़ेगा। गाइस देखो मैंने बोला था ना ये बंदा क्वीन का सेट रैंक कर रहा है, और ऐसा ही होता है ये बंदा क्वीन का सेट ही रैंक कर रहा था। कोई नहीं अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एंड इस बार गाइस देखो कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जोकर सिंगल है। वैसे पिछली बार की तरह हमारे पास प्योर सिक्वेंस रेंज होता है तो रिस्क ले सकते हैं। ओके और ऐसे होता है गाइस हमारी फर्स्ट में प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, उसमें मैं किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब काफ़ी बंदे हो सकता है किंग को होल्ड रखते, लेकिन मैंने सोचा कि साइड से तो अच्छा हम जो है। अब देखो हमारी फिफ्थ कार्ड की सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, लेकिन बंदे देखो क्या ही बोलो गाइस, ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दिया, सीरियसली भाई भाई साहब। वैसे गाइस इस बंदे के पास पहले से सब कुछ नहीं था, किंग के तो इसने ऐसे ही पिक किया था, और इस मोमेंट पे ना मुझे गाइस काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि देखो इस बंदे ने ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दिया हमारी आंखों के सामने। सो अब देना गाइस कितना गेम प्ले टेंस होने वाला, बस गेम प्ले में बने रहो बस एंड तक। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं इस बार, तो गाइस हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, बस डिक्लेयर करने के लिए हमको जो ओनली टू वैलिड कार्ड चाहिए। वैसे गाइस ये बंदा ही प्ले कर रहा है, कोई नहीं प्ले करने दो। नाइन निकाला, नाइन पिक नहीं करेंगे गाइस, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। वैसे ऐसा भी हो सकता है गाइस इस बंदे के पास फर्स्ट एंड सेकेंड सॉरी प्योर सिक्वेंस हो, इस वजह से बंदा प्ले कर रहा है। सो हम किंग निकाल देते हैं, लेकिन बंदा ने पिक नहीं किया, चलो बढ़िया। एस भाई साहब बंदा तो काफ़ी खतरनाक प्ले कर रहा है, कोई नहीं क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं, एस तो पिक नहीं करने वाले। ओके टू आ चुका गाइस हमारे पास, सो हम निकाल देते हैं सेवन को निकालें क्या। वैसे मैं सोच रहा हूँ बंदा सेवन का कटिंग हर्ट में सेवन डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन ये बंदा जो है सेवन को पिक कर लेता है। वैसे गाइस मैं ये सोचा हूँ कि बंदा एक बार हमको जो सेवन के अकॉर्डिंग सेवन डिस्कार्ड कर देना, जिससे कि हमारी जो एक और सीक्वेंस रेंज हो जाएगी, सो हम जो इस बैट को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं गाइस हमारे पास फाइनली जो है क्लोडे से जो करा जाता है, सो हम निकाल देते हैं फाइव को, अब निकाल देते हैं गाइस, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये बंदा पिक नहीं करता, आई थिंक ये बंदा सेवन का सेट रेंज कर सकता है, या फिर सेवन एट नाइन के साथ बने सीक्वेंस रेंज की होगी। ओके किंग निकाला, किंग तो पिक नहीं करेंगे, क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे मुझे लग रहा है, क्या पता वैलिड कार्ड ही आ जाए। ओके गाइस सेवन तो आया हमारे पास, चलो हम निकाल देते हैं गाइस जे को अब, क्योंकि अब हमारे देखो ओनली सिक्स पॉइंट ही हैं। ओके बंदे ने सिक्स निकाला, यानी कि मुझे लग रहा है ये बंदा सेवन का सेट नहीं कर रहा है गाइस, अभी तो बंदे ने सिक्स निकाला है ना। सो गाइस क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, वैसे हमारे पास ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं, देखो क्लब सेवन आया, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि
मुझे लग रहा है सेट नहीं करा, लेकिन ये सैंड पिक नहीं करता गाइस, क्या ही बोलो गाइस इस बंदे का दिमाग का। देखो टू निकाल रहा है, टू तो पिक नहीं करेंगे जो कि हमारे पास पहले से ही है। सो क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं। ओके नाइन, ये भी यूजलेस है, इसी से डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे देखो गाइस हमने डैंड सेवन ही करा था, बंदे ने पिक नहीं सॉरी पिक किया था, अब डैंड नाइन इस बंदे ने क्यों नहीं पिक किया, यानी कि इस बंदे ने सीक्वेंस नहीं किया है। देखो अगेन बंदे ने टू निकाला है। सो क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं और फाइनली गाइस हमारे पास हार्ट सेवन आ चुका है। सो फोर को सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं एंड हर्ट टू के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। एंड गाइस ये बंदा जो ओनली 9 पॉइंट से लॉस होता है। अब गाइस यहाँ पे स्प्लिट पाइक का ऑप्शन है स्प्लिट पाइक करने का। सो ये बंदा हमको रिक्वेस्ट सेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि देखो इसके 89 पॉइंट हो चुके हैं। अगर हमने डिक्लेयर किया तो शायद ये बंदा जो एलिमिनेट हो सकता है। सो मैं इस वजह से इग्नोर ही कर देता हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा अब। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं इस बार गाइस हमारे पास। देखो मतलब जॉकर तो हैं लेकिन वैलिड कार्ड कम है। कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं क्योंकि तो पिक नहीं करेंगे। एंड फाइनली गाइस हमारी फर्स्ट में ही प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है लकीली। सो मैं एस निकाल देता हूँ, लेकिन ये बंदा एस को पिक कर लेता है, खैर क्या ही करें। नहीं निकला गाइस, पिक कर लेते हैं एंड इसी के साथ हमारी जो सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो मैं निकाल देता हूँ हर्ट में 10 को, क्योंकि देखो हार्ट अटैन हमारे इनवैलिड है ना। अब वैसे मैं सोच रहा हूँ 10 के अकॉर्डिंग बंदा क्लब में 10 डिस्कार्ड करे, जिससे कि हम जो फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन बंदा देखो किंग निकाल रहा है, किंग तो पिक नहीं करेंगे गाइस, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। वैसे हमको वैसे टू वैलिड कार्ड चाहिए। ओके क्वीन गाइस हमारे पास आ चुका है, सो क्वीन का सेट रही कर लेते हैं, लेकिन कोई नहीं। अब गाइस हम 5 को ही निकाल देते हैं। वैसे हमारे देखो 17 पॉइंट है, लेकिन ये बंदा 5 को पिक कर लेता है, खैर अब क्या ही बोलें गाइस। और एस डिस्कार्ड किया, सो एस पिक नहीं करेंगे। क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं, क्योंकि हमको जो है 8 आ जाए या फिर जॉकर आ जाएगा तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गाइस 2 आता है। सो अब हमको जो है 9 गाइस डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, लेकिन ये बंदा 9 को पिक कर लेता है और इसी के साथ फाइनली आई थिंक डिक्लेयर करेगा। ओके 5 निकाला है, एंड गाइस हमारे पास किंग आ चुका है। सो मैं हर्ट क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा हर्ट क्वीन को पिक कर लेता है गाइस। मतलब हमने जितने भी कार्ड डिस्कार्ड किए ना सब नहीं किसी ने पिक किए, कोई नहीं हमारे 6 पॉइंट लग गए हो चुके हैं 87 पॉइंट। लेकिन देखो ये बंदा क्वीन का सेट नहीं कर रहा था और ये बंदा अगेन स्प्लिट पैच करता है, उसमें अर्जेंट जैक्ट ही कर देता हूँ। देखो हमने 9 डिस्कार्ड किया था, क्या ही बोलूँ गाइस। बंदा गाइस एलिमेंट हो सकता था, लेकिन हमारी गलती की वजह से ये बंदा जो है इस बैट को सर्वाइव कर चुका। कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं इस बार। तो गाइस हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, कोई नहीं। देखो सेट रेंज हो चुका है, बस प्योर सिक्वेंस रेंज हो गया तो डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ओके जे निकाला, जे पिक नहीं करेंगे, क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं। ओके 10 आ चुका गाइस हमारे पास। सो 9 निकालें क्या, वैसे 9 का सेट रेंज हो चुका है हमारे पास। सो क्लब 3 निकालते हैं गाइस, क्योंकि हम इसको फॉलो नहीं करने वाले गलती से भी। और बंदे देखो 6 निकाला 3 के अकॉर्डिंग, मतलब 4 5 को छोड़ के 6 निकाला, यानी कि 2 कार्ड छोड़ के ये बंदा तीसरा कार्ड निकालता है, देख रहे हो। ओके और फाइनली गाइस हमारे पास जॉकर तो आ चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास प्योर सिक्वेंस नहीं है। सो अब हम कौन सा कार्ड निकालें, देखो हमको जो सिंगल कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, तो सो मैं 4 निकाल देता हूँ, क्योंकि देखो एस 2 3 आ गया था, मुझे वैसे भी सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन ये बता देखो अगेन 6 ही निकालता, कोई नहीं गाइस क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। 9 10 ओके डायमंड 2, अब गाइस बोलो कौन सा कार्ड निकालूं। चलो 2 भी डिस्कार्ड अब कर ही देता हूँ,
लेकिन ये बंदा टू को ही पिक कर लेता है, क्या ही बोलूँ गाइस, क्योंकि हमने फोर निकाला था ना, और देखो बंदे ने थ्री निकाला, यानी कि ये बंदा टू का सेट रहे कर रहा है। कोई नहीं गाइस, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। ओके डायमंड किंग है, अच्छा इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। क्लब किंग निकाला बंदे ने, क्लब किंग ही पिक नहीं करेंगे गाइस, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। वैसे गाइस देखो यहाँ पे इतने वैलिड कार्ड है, लेकिन हमको जो कार्ड चाहिए ना वो आ ही नहीं रहा, मैं क्या ही बोलूँ गाइस। लेकिन फाइनली गाइस हमारे पास क्लोडस से जो है वैलिड कार्ड आ जाता है, सो हम नाइन का सेट रही कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये अभी हमारे पॉइंट देखो, सो मैं जे डिस्कार्ड कर देता हूँ अब, क्योंकि जिस पीस में जे आ गया तो हम जो है एस को रिलीज कर लेंगे फर्स्ट ड्राइव से। ओके ओके बंदे ने टेन निकाला, टेन तो पिक नहीं करेंगे ये, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है ना ये तो। सो गाइस क्लोडस ही कार्ड पिक करते हैं। ओके देखते हैं गाइस कौन सा कार्ड आता है, क्लब एस, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन ये बंदा एस को पिक कर लेता है। अब गाइस मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बंदा बैक टू बैक कार्ड पिक करता ही जा रहा है। ओके बंदे ने सेवन निकाला, सो गाइस सेवन पिक कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको जो है सिंगल कार्ड चाहिए होगा डिक्लेयर करने के लिए। अब हो सकता है काफ़ी बंदे यहाँ पे पिक नहीं करते, लेकिन मैं पिक कर लेता हूँ एंड क्लब एस डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि देखो इसके बाद हमारे पास कोई स्मॉल कार्ड आएगा तो हम जो है टेन डिस्कार्ड कर देंगे। सो इसी के साथ हमारे पॉइंट भी डाउन हो जाएंगे, सो हम इस बैट को सर्वाइव कर सकते हैं। ओके इस वजह से मैं पिक कर लेता हूँ, और ये बंदा देखो अब टू निकाला, सो मैं टू पिक कर लेता हूँ, क्योंकि देखो गाइज इसी के साथ हमारे पॉइंट डाउन हो जाएंगे क्या। नहीं नहीं गाइज टू पिक कर लूँगा, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पॉइंट डाउन नहीं होने वाले। ओके किंग आया, सो मैं किंग ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस बंदे ने टू डिस्कार्ड क्यों किया जबकि इस बंदे ने टू पिक किया था। आई थिंक इस बंदे की प्योर सिक्वेंस नहीं हो चुकी होगी गाइज, तभी तो इस बंदे ने टू डिस्कार्ड किया ना, और ये बंदा जे डिस्कार्ड करता है। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास भी क्लोड ऐसे टू आता, सो अब हम कौन सा कार्ड निकाले। यहाँ पे गाइज दिमाग बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो चुका था कि मैं कौन सा कार्ड निकालूँ, लेकिन मैं टेन डिस्कार्ड कर देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन बंदा पिक नहीं करता। लेकिन हमारे पॉइंट देखो 14 है, और बंदे डिक्लेयर किया तो हम जो इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके लेकिन बंदा जो 8 डिस्कार्ड करता है, सो 8 पिक नहीं करेंगे, या फिर कर लें नहीं, बट कोई नहीं, मैं क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ, और हमारे पास 6 आ चुका है, सो मैं एस निकाल देता हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा था कहीं बंदा एस ही ना पिक कर ले, लेकिन पिक नहीं करता, क्योंकि इस बंदे क्लब एस पिक किया था ना, इस वजह से मुझे डाउट था कहीं बंदा सेट ना नहीं कर रहा हो। बट देखते हैं गाइज, अब हमको जो सिंगल कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, और बंदा डिक्लेयर भी करेगा तो हम एलिमिनेट नहीं होने वाले। ओके बंदे ने देखो 3 भी निकाल दिया, और इस मोमेंट पे ना गाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा जो है ना थोड़े हाईएस्ट पॉइंट इस बंदे के, क्योंकि देखो बंदा 3 निकाल रहा है, सो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हुई, तभी तो बंदा ऐसे कार्ड निकाल रहा है ना। सो हमारे पास जे आता, सो मैं जे भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ जे का कड़ी 9 भी आ सकता है ना, लेकिन बंदा देखो 3 निकाल रहा है, क्योंकि हमने एस निकाला और बंदा एस 2 3, यानी कि हमारी सीक्वेंस अब नहीं रही हो सकती। सो गाइज क्लोडस से अगेन कार्ड पिक करते हैं, हर्ट किंग, मैं क्या ही बोलूँ गाइज, मतलब यहाँ पर इतनी टन लग चुकी हैं, हमको सिंगल कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए, और देखो हमारे पास कार्ड ही नहीं आ रहा, मैं क्या ही बोलूँ। ओके हर्ट 5 यूजलेस है, सो गाइज क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं, या फिर गाइज ऐसा हुआ होगा इस बंदे ने 2 और 3 डिस्कार्ड किया ना, यानी कि इस बंदे के पास डबल आया होगा तभी तो इसने डिस्कार्ड किया। ओके एस, सो इसी को गाइज डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये बंदा पिक कर लेता गाइज एस कोई, और आई थिंक इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर करेगा क्या। लेकिन इस बंदे के पास अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ, देखो
यानी किस बंदे के पास मुझे लग रहा जॉकर ही नहीं थे, तभी तो बंदे ने इतनी टन लगाई। ओके क्लब बेट, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। और मुझे तो गाइस ये भी समझ नहीं आ रही यहाँ पे कौन कौन से कार्ड निकल चुके हैं, क्योंकि टर्न इतनी लग चुकी कि मैं क्या ही बोलूँ। ओके किंग निकला, मुझे लग रहा है 9 गाइस इस बंदे के पास ही, तभी तो हमारे पास नहीं ना आ रहा स्पेस में 9 जो हमको चाहिए। और इस बंदे ने क्लब किंग डिस्कार्ड किया है और हमारे पास डायमंड 3 आ चुका है। सो हम 6 निकाल देते हैं इस बार, ओके हमको जो है डायमंड 4 चाहिए, ओके बंदे ने 3 निकाला तो 4 निकाल सकता है। और यहाँ पे कॉल आगे सो कट कर देते हैं एंड देखते हैं बंदे ने कौन सा कार्ड निकाला है। लेकिन बंदा तो काफ़ी टाइम लगा रहा है और इस बंदे ने डायमंड किंग डिस्कार्ड किया। सो ये भी गाइस यूजलेस ही है, मतलब भाई निकालना होता तो डायमंड एस निकालता ना। सो गाइस क्लोडस से अगेन कार्ड पिक करते हैं क्लब 7, इसी को जाने देते हैं। ओके क्लब 8 गाइज, मुझे लग रहा है इस बंदे को सिंगल कार्ड चाहिए और हमको भी सिंगल ही कार्ड चाहिए। तभी तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमको कार्ड चाहिए वो इस बंदे के पास है, जो इस बंदे को चाहिए वो हमारे पास है कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी तो इतनी टर्न लग रही है ना। ओके देखो डायमंड 8, इतना लॉन्ग राउंड मैं क्या ही बोलूँ गाइज। कोई नहीं गाइज, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं 7 हर्ट में, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि 5 निकल चुका है हर्ट में, 7 पिक करने के चांस बहुत ही कम है। 6 ओके हमने निकाला था डायमंड में 6। सो गाइस क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे इस बार मुझे लग रहा है, क्या पता जोकर ही आ जाए हमारे पास। लेकिन यहाँ पे तो गाइस 5 आया, सो मैं सोच रहा हूँ 5 रख लूँ या फिर डिस्कार्ड कर दूँ। ऐसे बंदा 5 के अकॉर्डिंग 6 डिस्कार्ड कर सकता है, सो 5 को जाने देते हैं। चलो बढ़िया, बंदे ने पिक भी नहीं किया। ओके क्लब 7 गाइस, देख रहे हो इतनी टर्न में क्या ही बोलूं, जोकर भी नहीं आ रहा हमारे पास भाई। सो गाइस क्लोडे से पिक करते हैं अगेन कार्ड डायमंड 7, सो इसी को जाने देते हैं क्योंकि 6 निकल चुका डायमंड में। ओके डायमंड 5, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है ना कार्ड दोबारा से होने वाले हैं। सो क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं हर्ट जे, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। मुझे नहीं लग रहा गाइस यहाँ पे डिक्लेयर होगा क्योंकि कार्ड ही नहीं देखे वो आ रहे जो हमको चाहिए, बट 9 डबल हैं तो 9 मुझे ऐसा लग रहा किसी बंदे के पास हैं गाइस, इसी बंदे के पास। क्लब 3 ये भी यूजलेस है। सो गाइस क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं अगेन। ओके हर्ट 9, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं भाई, मुझे तो नहीं लग रहा डिक्लेयर होगा यहाँ पे, मतलब इतनी टर्न लग चुकी हैं। 4 भाई डायमंड में 4 निकालता जिससे कि हम डिक्लेयर कर पाते। सो गाइस क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, पर यहाँ पे मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही गाइस, जोकर भी नहीं आ रहा यहाँ पे। तो देखो डायमंड 7 है और रिपीट पे रिपीट कार्ड होते जा रहे हैं। देखो डायमंड 7 पहले ही से निकल चुका है, डायमंड 6 निकल चुका है, डायमंड 5 भी, अब डायमंड 4 आना चाहिए जो कि आई थिंक निकाल सकता है बंदा। ओके स्पिस में 7 देखो ये भी निकल चुका है, यानी कि बंदे के पास 9 होगा मुझे ऐसा लग रहा। ओके और फाइनली गाइस हमारे पास इतनी टर्न लगने के बाद 2 आ चुका है। सो डायमंड 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश गाइस। हम डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन ये बंदा देखो ओनली 10 पॉइंट से लॉस हुआ है, और इस बंदे को डिक्लेयर करने के लिए सिंगल कार्ड चाहिए था। देखो 7 के अकॉर्डिंग 8, और ये बंदा अगेन सेपरेट पाइप की क्वेश्चन सेंड करता है, सो मैं अगेन इग्नोर ही कर देता हूँ। अब गाइस 10 राउंड होने वाला है, सो इससे नेक्स्ट वाला भी राउंड लगेगा।
सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, जिस बार गाइस मुझे लग रहा था कि हम जो है इस बैट को विन कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास 5 कार्ड सेट रहे हो चुका था और कितने ही वैलिड कार्ड थे, किंग का भी सेट रहे हो चुका था। सो मैं 7 निकाल देता हूँ, क्योंकि देखो हमको डिक्लेयर करने के लिए ओनली 3 वैलिड कार्ड चाहिए, लेकिन ये बंदा 7 को पिक कर लेता है और 10 डिस्कार्ड किया। सो 10 तो पिक नहीं करेंगे, क्लोडिया से गाइस कार्ड पिक करते हैं। ओके डैम्ड 9, सो 9 कोई जाने ही दे क्या, नहीं नहीं एस निकाल देते हैं, क्योंकि एस का सेट तो हम बाद में ही रहे कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ओवरऑल हमको जो है प्योर सिक्वेंस रहे करनी होगी ना। ओके डैम्ड जे भी यूजलेस है। सो गाइस क्लोडिया से कार्ड पिक करते हैं। ओके एस आया, चलो हमारी प्योर सिक्वेंस अरेंज हो चुकी है। सो हम निकाल देते हैं, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 9 डिस्कार्ड कर दूँ, नहीं नहीं 9 डिस्कार्ड नहीं करेंगे गाइस, किंग डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि देखो इसी के साथ हमारे पॉइंट भी डाउन हो जाएंगे, लेकिन बंदा किंग को पिक कर लेता गाइस। मैंने ये भी सोचा था, अब देखो हमारे पास 8-2-3 के साथ सीक्वेंस अरेंज हो जाएगी और हम डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। किंग का हम सेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी फिर भी हमको जो सिंगल कार्ड चाहिए होगा ना डिक्लेयर करने के लिए। ओके और यहाँ पे 6 आता है, तो 6 लग लेते हैं एंड 9 डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब गाइज हमको सिंगल कार्ड चाहिए, मैं क्या ही बोलूँ गाइज। देखो बंदे ने 6 निकाला, सो 6 पिक नहीं करेंगे, क्लोडिया से कार्ड पिक करते हैं। आपको भी कहाँ भाई गाइज ये लग रहा होगा ना कि हमको जो है सिंगल कार्ड चाहिए और हम डिक्लेयर कर सकते हैं इजी, लेकिन इतना आसान नहीं है यहाँ पे डिक्लेयर करना। जब यहाँ पे टर्न लगनी होती है तो लगेंगी ही लगेंगी, हमारे पास कार्ड ही नहीं आते भाई। देखो क्लब बेस आ चुका है, सो एस का मैं सेट तो नहीं कर लूँगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अब देखो मैं 6 बंदे निकाला, मैं उसमें 6 निकाल देता हूँ, ये सोच गए कि बंदा सेट रहे नहीं कर रहा होगा। अब हो सकता है काफ़ी बंदे 6 को होल्ड रखते लेकिन बंदा 6 वही पिक कर लेता। देखो अब मैंने ये सोचा था कि हमारे पास अगर गलती से जे आ गया तो हम जो एस को रिलीज करके और सेट रहे कर लेंगे और डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन बंदा देखो 10 निकाल रहा है। मतलब कि मान को जो कार्ड चाहिए वो आ ही नहीं रहा और बंदा निकाल नहीं रहा भाई। ओके डायमंड क्वीन देखो, सो मैं डायमंड क्वीन डिस्कार्ड करूँगा। मैं यही सोचा था गाइस कि अगर हमारे पास गलती से देखो एस आ गया या फिर कोई ऐसा कार्ड आ गया जिससे कि हम सेट नहीं कर पाएँ, सो हम डिक्लेयर कर सकते हैं और ये बंदा जरूर एलिमिनेट हो जाएगा। सो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं जो है ना अब रिस्क लेता हूँ और बंदे ने देखो किंग ही निकाला। देखो हमारे पास क्वीन आया, अब देखो ना कौन सा कार्ड निकालूँ। वैसे मुझे गाइस क्वीन ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं 3 निकालूँगा तो हमारे जो पॉइंट हाई रहेंगे और बंदे ने डिक्लेयर किया तो हम एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ बंदा क्वीन के अकॉर्डिंग हर्ट में क्वीन डिस्कार्ड कर दे, लेकिन बंदे देखो हर्ट में एस निकाला है। सो हर्ट एस तो पिक नहीं करेंगे, क्लोडिया से कार्ड पिक करते हैं। वैसे कहीं गाइस ऐसा तो नहीं किस बंदे को क्लब में एस चाहिए हो, कुछ कह नहीं सकते गाइस। सो इस वजह से मैं गाइस थोड़ा सा टाइम लगा के कार्ड पिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो अगेन 4 आया भाई। सो मैं एस को डिस्कार्ड कर देता हूँ, चांसेस तो बहुत कम है इसके पिक करने के, और ऐसे होता है ये बंदा पिक नहीं करता। लेकिन गाइस हमको भी डिक्लेयर करने के लिए सिंगल कार्ड चाहिए और देखो बंदे ने जे भी निकाल दिया, मतलब इतना ख़तरनाक प्ले करता है ना बंदा, मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि इस बंदे ने 10 निकाला था और हमने 10 पिक नहीं किया था, तभी बंदे ने जे डिस्कार्ड किया। सो गाइस क्लोडिया से अगेन कार्ड पिक करते हैं। ओके 3 तो आया गाइज, लेकिन अभी भी हमको कार्ड चाहिए। देखो अब हर्ट 3 निकालें या फिर 5 निकालें, देखो। सो मैं डायमंड 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मुझको सिंगल ही कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए। मैंने ये भी गाइज दिमाग लगाया था बंदा 5 के अकॉर्डिंग 4 डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन बंदा देखो 2 डिस्कार्ड कर रहा है। सो गाइज 2 तो पिक नहीं करेंगे, क्लोडिया से कार्ड पिक करते हैं। सो देते हैं गाइज हमारे पास क्लोडिया से
कोई वैलिड कार्ड आता है जिससे कि हम डिक्लेयर कर पाते हैं, या फिर ऐसे ही टर्न लगेंगी अगेन। लेकिन यहाँ पे तो हर्ट सेवन है, सो हर्ट सेवन को ही जाने देते हैं क्योंकि एट जब कर चांसेस तो बहुत कम है और ऐसा ही होता है ये बंदा पिक नहीं करता। लेकिन देखो बंदा डायमंड फाइव ही डिस्कार्ड कर रहा है क्योंकि हमने डायमंड फाइव डिस्कार्ड किया था ना। बट कोई नहीं गाइस, क्रोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं अभी भी, बंदे ने डिक्लेयर किया नहीं किया। थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन यहाँ पे तो फोर आया, सो फोर भी गाइस सेट रहे नहीं होने वाला। सो मैं हर्ट फाइव डिस्कार्ड कर देता हूँ लेकिन ये बंदा फाइव को पिक कर लेता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। और इसी के साथ गाइस हमारे हो चुके 94 पॉइंट, लेकिन हम स्प्लिट प्राइज नहीं करेंगे चाहे जो भी हो जाए। अब जो भी होगा गाइस अब होने वाला लास्ट राउंड, और गाइस देखो कहाँ पे 6 राउंड थे और कहाँ पे अब देखो 11 राउंड हो चुके हैं। अब गाइस होने वाला लास्ट राउंड और हम इस बैट को भी निकलने वाले हैं, बस देखते जाओ। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार गाइस कार्ड देखो हमारे पास, इस बार तो मुझे लग रहा था कि हम जो इजी विनर बन चुके हैं क्योंकि हमको डिक्लेयर करने के लिए ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए और हमारे पास देखो जॉकर भी एक्स्ट्रा। ओके क्वीन निकाला, क्वीन तो पिक नहीं करेंगे। सो गाइस क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। ओके क्लब 10 आ चुका है, सो 9-10 को इसमें सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। अब कार्ड निकाले तो निकाले कहाँ सा गाइज, और यहाँ पे भी गाइज ये बंदा बहुत ख़तरनाक प्ले करने वाला है, बस देखते जाओ। सो मैं 7 डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मुझे 7 के अकॉर्डिंग अगर हर्ट में 7 आ गया तो हम जो है 9 और 7 की सीक्वेंस नहीं कर लेंगे और जॉकर लीज हो जाएगा। एंड गाइज देखो इस बंदे ने 5 के साथ सीक्वेंस रही की थी, हर्ट 2 है, सो पिक कर लेते हैं। एंड गाइज कौन सा गाने 9-5, मुझे गाइज 9 ही निकालना पड़ेगा क्योंकि देखो अगर 9 के अकॉर्डिंग हमारे पास डैंड में 9 भी आ गया ना तो तब भी हम जो डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा जो है काफ़ी ख़तरनाक प्ले करता है। ओके देखो जे निकाला, मतलब दूर दूर तक कार्ड नहीं निकालता ये बंदा तो जो हमको नीड है। सो क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं, जे तो पिक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, मुझे लग रहा है कोई वैलिड कार्ड ही आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 4 आता, सो 4 डिस्कार्ड कर देते क्योंकि देखो इस बंदे ने 7 पिक नहीं किया था तो 4 पिक करने के चांसेस तो बहुत ही कम है। लेकिन ये बंदा मुझे लग रहा 4 पिक करेगा और ऐसा होता गई ये बंदा जो है 4 को पिक कर लेता है क्योंकि ये बंदा 4 का सेट रहे कला। लेकिन फाइनली गाइस ये जो बंदा क्लब 8 डिस्कार्ड कर देता है क्योंकि इसी के साथ हमको जो है 6-7-8 के साथ सीक्वेंस रे कर लेंगे और 8-9-10 के साथ हमारी सीक्वेंस रही हो जाएगी और इसी को देते हैं प्यारी सी स्माइल। एंड गाइस फाइनली ये बंदा जो एलिमेट हो चुका है, सो डायमंड 5 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। गाइस काफ़ी यहाँ पे डर लगी थी, अगर आपको गाइस थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके।